अरे ओ बंसी भैया, काय खुले में जा रहे हो? जानते नहीं खुले में शौच करने से बदबू और बीमारियां फैलती हैं? अरे बल्लू भैया, हम तो दूर जाकर करेंगे, बहुत दूर। बीमारियां और बदबू हमारे घर तक नहीं पहुंच पाएंगी। अच्छा चलते हैं। सुनो सुनो, एक बात बताओ, आसमान में उड़ती पतंग तुम्हारे घर तक कैसे पहुँच जाती भैया? हवा से। और कैसे? और कागज की नाव? अरे पानी में बह के भाई। और ये खेत की मिट्टी तुम्हारे घर तक कैसे पहुंच जाती? चप्पलों से। अरे भैया हमको जाने दो यार, हमारा सब्र का बांध टूट रहा है। अरे बंसी भैया, जब ये सब तुम तक पहुंच सकते हैं तो क्या तुम्हारे शौच की गंदगी घर तक नहीं पहुंच सकती और मक्खियों से तुम्हारे खाने तक नहीं आएगी क्या? बात तो सही है भैया, पर अभी क्या करें, जाना पड़ेगा। अरे तुम मेरे यहाँ हो लो। हाँ हाँ बंसी भाई, जल्दी अपने घर पे शौचालय बनवा लो। अरे कहीं से थोड़ा उधार ले लो और गड्ढा खोद देना, हम मदद कर देंगे। बहुत बढ़िया भैया। और सुनो, शौचालय के लिए पानी की जिम्मेदारी सिर्फ घर वालों पे मत छोड़ देना। बल्लू भैया, हम भी घर पर शौचालय बनवाएंगे और वहीं जाएंगे। मत कीजिए हवा पानी और खेतों को दूषित, शौचालय से ही है हमारा जीवन सुरक्षित।